Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with. Hello guys, good morning and welcome back on my channel Much More and Shreya Shree. तो मैंने सोचा कि जब मैं स्कूल जाती हूँ तो वैसा एक दिन का मैं रूटीन शेयर करूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मैं टाइम दिखाती हूँ, अभी देख रहे हैं 7:35 हुआ, मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी मैं तन्वी के रूम पे आई और हेलो गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मम्मी ने रख दिया मेरी अजवाइन वाला टी जो मैं सुबह सुबह पीती हूँ और जो पीने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यह अजवाइन टी आप भी ट्राई कर सकते हैं। अजवाइन को पानी में भिगो के लास्ट नाइट पे रख दीजिए और सुबह उठ के उसको थोड़ा सा गर्म करके पी लीजिए। और देखिए तन्वी कैसे मुझे देख रहे। तो अभी चाय पीते पीते तो मम्मी के साथ बातें करूँगी, तन्वी के साथ टाइम स्पेंड भी करूँगी और मम्मी कुछ ब्रेकफास्ट जो देगी वो खा के फिर निकल पड़ूँगी स्कूल के लिए। तो आप देखते रहिए और साथ रहिए। ब्रेकफास्ट में मेरे लिए था इडली और मम्मी के लिए था मम्मी का फेवरेट वड़ा। स्कूल पे तो शूट नहीं कर सकती तो स्कूल से लौटने के टाइम यहाँ पे मैं बस पे बैठी हूँ और बैठ के मैं कृष्ण नाम जॉब करती हूँ। ये काउंटर मैंने अमेजन से ख़रीदा है, बहुत ही अच्छा। जाने के बाद मैं फ़्रेश हो गई और अभी मैं जाऊँगी तन्वी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी और उसके बाद चाय वगैरह पी के मैं शूट स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं मेन चैनल पर शॉर्ट्स डाल रही हूँ लेकिन वो शॉर्ट्स मिनी व्लॉग जा रहे, तो मेरा मेकअप का कुछ वीडियो नहीं जा रहे। तो आज मैं सोच रही हूँ बैक टू बैक टू वीडियोस शूट करूँगी जहाँ पे मैं मेकअप वीडियो शूट करूँगी। तो देखते हैं कितना तक मैं कर पाती हूँ। फ़िलहाल अभी तो जाते हैं तन्वी के पास, जाके देखते हैं वो क्या करते हैं। वेट माई पी शी स्लीपिंग, लेट मी चेक। वो तो सो रही है इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि उसके साथ मम्मी भी सो गई। हे गाइस, तो मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट कर लिया और इसका तो शॉर्ट्स वीडियो मेन चैनल पे होगा, आप लोग प्लीज़ जाके देखना और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करना दो ही चैनल को, गर्ल्स को स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि मेकअप ये सब तो बॉयज़ के लिए है नहीं। तो गर्ल्स प्लीज़ आप लोग जाइए मेरे मेन चैनल पे और वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना। मम्मी के लिए मैं चाय बनाना चाहती थी लेकिन दूध नहीं था, तो अभी इसी वक्त मुझे बाहर जाने का मन भी नहीं था, तो स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया तो अभी वो लोग डिलीवरी करके गए विद इन 35 मिनट्स पे। और ये मेरे को पूरा मम्मी के लिए ऑर्डर कर लिया, मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ मिल्क, और ये सब मैंने ऑर्डर किया क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद है। और ये स्पेशली मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर किया क्योंकि ये मम्मी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मम्मी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी, खुद के लिए ग्रीन टी बनाऊंगी और मेकअप रिमूव करके चाय पीते पीते मम्मी के साथ बहुत सारा बातचीत करूंगी, उस टाइम व्लॉगिंग करूंगी। उसके बाद भी मैं सेकेंड मेकअप लुक आज क्रिएट करूंगी क्योंकि हर रोज़ तो टाइम नहीं मिलता है, स्कूल से आने के बाद स्कूल का बहुत सारा काम रहता है, कभी कभी खुद का भी बहुत काम रहता है, कभी तन्वी डिस्टर्ब करती है तो वो काम नहीं करने देते। तो आज मैंने सोचा कि आज चलो टाइम है, तन्वी डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं कर रही है, चिल्लम चिल्ली नहीं कर रही है, तो फटाफट मैं अपना मेकअप लुक क्रिएट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ मेकअप वीडियो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वेट गेन करने के बाद ना मेरा फेस थोड़े चपी हो गए, तो मुझे मेकअप लुक ज़्यादा क्रिएट करना पसंद नहीं आता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग करती हूँ। लेकिन सोच रही थी कि इट्स ओके, लाइफ का हर एक फेज़ को एंजॉय करना चाहिए, ये मदरहुड का पीरियड है, धीरे धीरे वेट कम हो जाएगा, शायद कम होगा नहीं होगा कुछ भी हो,
लेकिन जो है उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। तो आज जिस वक्त आज अभी इसी वक्त को अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो शायद ये वक्त कभी लौट के नहीं आएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं पूरे तरीक़ा से प्रेजेंट को एंजॉय करूँ। फ्यूचर को सोच सोच के मैं अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करना चाहती, जो मैं ये पिछले 28 ईयर से कर रही हूँ। हमेशा मैं सोचती हूँ कि बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, मूड ऑफ हो जाता है यार, वो बहुत एंग्जाइटी, पैनिक अटैक सब कुछ देते हैं। तो अभी मैं फ्री माइंड पे अभी खुल के जीना चाहती हूँ। तो चलो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, चाय बनाते हैं और आप लोगों के साथ मिलते हैं। मम्मी आजकल बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, मम्मी को पूरे दिन रेस्ट लेने का वक्त नहीं मिलता। पूरे दिन वो जाग के रहती है बड़े इंसान की तरह। वो सुबह उठ जाती है 6:30 to 7 के अंदर और रात में सोती है 12:30 को। तो मम्मी बोली कि कल 12:30 के बाद भी वो नहीं सो रहे थे, पूरे रात मम्मी को डिस्टर्ब किया और पूरे दिन में भी नहीं सोती है। तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली बच्चे को बड़ा करना और पालना, बट आई एम सीरियसली वेरी लकी एंड आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड। आई एम रियली ब्लेस्ड विथ माई पेरेंट्स। मैं दुआ करती हूँ कि सबको मेरे मम्मी पापा जैसा मम्मी पापा मिले, क्योंकि जब से मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ मेरी मम्मी ने मेरे साथ रहना स्टार्ट किया, और उस टाइम से मेरे पापा अकेले ही घर पे रहना स्टार्ट किया। जो इंसान कभी भी एक दिन के लिए भी कुकिंग नहीं किया वो ग्रेजुअली कुकिंग करना स्टार्ट किया और घर का सारा काम वगैरह खुद संभाले, क्योंकि मम्मी को कोई मेड घर पे पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझे भी अलाउ नहीं करती कोई रखने के लिए, किसी को रखने के लिए। तो ये बात मुझे इतना मतलब ख़राब भी लगता है कि पापा को और मम्मी को बहुत कुछ करना पड़ रहा है मेरे वजह से। लेकिन ये बात का भी बहुत खुशी होता है कि मैं ऐसा एक इंसान हूँ जिसका मम्मी पापा इतना अच्छा है कि मतलब उसके लिए उसका औलाद इतना मायना रखता है कि वो खुद का खुशी, खुद का कंफर्ट जोन सब कुछ छोड़ के वो सिर्फ मेरी खुशी के बारे में सोचते हैं। और मैं एक मम्मी हूँ जो मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, पूरे दिन मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। कभी मैं स्कूल में जाती हूँ, कभी मैं शॉपिंग करने चली जा रही हूँ, कभी मैं व्लॉगिंग करती रहती हूँ, यूट्यूब का शूट करती रहती हूँ। तो मेरा जो काम रहता है मैं वो करती रहती हूँ। तो मेरे मम्मी जैसे तो मैं माँ कभी ऐसा माँ नहीं बन पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं मेरी तरफ से अच्छा आउटपुट दूँ। तो ठीक है, चलो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, बहुत बात कर लिए। तो चाय लेके बैठते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं। तो अभी मेरा सेकेंड मेकअप लुक भी कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और कुछ रील्स वगैरह भी बनाई हूँ। तो वो देखने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा मेरे मेन चैनल पे, जिसका नाम है ब्यूटी एंड द पीस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, तो गो एंड चेक आउट गाइस प्लीज़। अब तक शायद वो ऑन हो चुके हैं, सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहो कि क्या क्या करती रहती हूँ मैं। मेकअप रिमूव करने के लिए पहले तो मैं ये वाला मेरी बेबी का जो वाइप्स है उससे मैं ऊपर हल्का से मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ वो कहाँ चले गए, उसके बाद ये मामा अर्थ का जो माइसेलर वाटर है, ये फोमिंग मेकअप रिमूवर है और इसमें सिलिकॉन ब्रश भी आता है। वेट, इसको टैप करने से देखो ये फोम बाहर आते हैं और उसको आप अच्छे से फेस को क्लीन कर सकते हो।
और ट्रस्ट मी पूरा का पूरा मेकअप निकल जाता है, चाहे वो वाटरप्रूफ क्यों ना हो। फ्रेशन अप होके मैं आ गई किचन पे। आज मैं बनाऊंगी डिनर, और डिनर पे मैं बनाऊंगी चिकन टिक्का रैप या फिर टैको भी कह सकते हैं, लेकिन टैको होने के लिए पराठा थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं क्रिस्पी हुआ तो इसको चिकन टिक्का रैप ही कहते हैं। तो पहले तो मैं पराठा में अच्छे से मेयोनीज लगा लूँगी, और मेयोनीज ये है गार्लिक फ्लेवर में, क्योंकि गार्लिक फ्लेवर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अच्छे से मेयोनीज लगाने के बाद मैं चिकन टिक्का जो मैं घर पे बनाई हुई है वो डाल दूंगी। अगर आपको चिकन टिक्का का रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कोई ना कोई वीडियो पे उसका रेसिपी शेयर कर दूंगी। और उसके बाद मैं एक दो टुकड़ा सॉसेज डाल दूंगी, और रॉ अनियन और ग्रीन चिली अच्छे से ऊपर से डाल दूंगी, और फिर मैं सर्व करूंगी चिकन टिक्का रैप। ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। जिसको मेयोनीज उतना पसंद नहीं वो थोड़ा डाल सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये हो गए मेरे डिनर रेडी, और एवरी नाइट डिनर के बाद मुझे ये आयरन और कैल्शियम का टैबलेट लेना पड़ता है, क्योंकि मेरा डिलीवरी या फिर सी सेक्शन हुआ है जस्ट 4 मंथ्स। तो मेरा गायनोकोलॉजिस्ट जो था उसने कहा था अप टू 6 मंथ्स तक मुझे डेली ये मेडिसिन लेना चाहिए, तो मैं ये डेली अभी लेती हूँ, और उसके बाद मैं शुरू कर देती हूँ जर्नलिंग करना, जो मेरी बहुत ही पुरानी आदत है। जो लोग मेरी वीडियो पहले से ही देखते हैं या मुझे पहले से फॉलो करते हैं उसको तो पता ही है कि मैं जर्नलिंग बहुत पहले से करती हूँ। पहले तो मैं हैबिट ट्रैकर पे टैग कर लेती हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, और उसके बाद मैं टू डू लिस्ट एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, और उसके बाद जो जो के लिए मैं थैंकफुल हूँ वो भी लिख देती हूँ। और अभी रिसेंटली मैं एक हैबिट बनाना चाह रही हूँ, वो है कि सोने के पहले मैं थोड़ा बुक्स पढ़ूँ। और ये पहले मैंने स्टार्ट किया, मेरी फेवरेट राइटर और फेवरेट स्टोरी वो है सत्यजीत रे का फेलुदा, ये एक डिटेक्टिव स्टोरी बुक है जो मेरे सासू माँ ने मेरे बर्थडे में गिफ्ट किया था। तो वही बुक्स अभी फ़िलहाल मैं पढ़ना स्टार्ट किया, और साथ में तो मुझे ग्रीन टी चाहिए ही चाहिए है। तो यहाँ पे मेरे वीडियो ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, लव यू सो मच, बाय बाय।